यीशु प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों करते हो? ईश्वर को छोड़ और कोई भी भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत छो, अपने माता पिता का आदर। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया। यीशु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हें एक बात की कमी, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन? शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन? सुई के धागे से होकर ऊंट का निकलना नहीं सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन। जिससे और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता? उन्होंने उसके दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहन, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया और जो अब इस लोक में सब नाता घर, भाई बहन, माता, बाल बच्चे और के साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। यह प्रभु का बहुत सुसमाचार है। अपना जो कुछ है
ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು जा रहे हैं, जो प्रदेश से हैं, लेकिन दूसरा वजह है कि
चोट को सहायक करते हैं वैसे पौधे बताए ताकि पूरा दुनिया में जब खाना भोगना कम होगा तो महंगाई होगी खाना कम होगी और इसके हर दवा खानी हर उसको भी तरह और अधिक मजबूत कर पाए और हम सभी को
कि आप हमारी सहायता कीजिए, शांति के मार्ग पर हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए, हमारे आंखों और दिलों को खोल दीजिए और हमें यह कहने का साहस दीजिए, फिर कभी यह नहीं होगा। युद्ध से सब कुछ खो जाता है, हमारे और विश्व के सभी लोगों के दिलों में शांति प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आज इस समय हम देख रहे हैं
तुम्हारी स्तुति में आराधना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सभी बल्लेवासियों के जीवन दान के लिए और उनके जीवन के लिए जीवन अपने स्वर्ग राज में प्रदान करें। हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर का प्रदत्त जमीन के लिए और परमेश्वर हम आज के दिन प्रार्थना करते हैं आप हमारे सभी बल्लेवासियों को जो स्वस्थ करें बुद्धि प्रज्ञा दें ताकि हम आपके द्वारा प्रदत्त जमीन जल जंगल की सुरक्षा इसे रुकने वापस कर पाएं और उसमें अधिक से अधिक अन्न लगाएं। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करते हैं।
Thank you.
राज्य हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम फिर दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे पिता यीशु फिर आप हमारी सभी आशा
हम उपचारी बजे चलाकर हम तुझे धन्यवाद दें। इसके प्रभाव से हम अधिक अधिक उत्तम दान प्राप्त करें। जब आपने स्वीकार कर हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा एक पहली आई थी बड़ा वाला लेके आई है, आगे बढ़िए। ईश्वर अपनी परम शक्ति और भलाई पृथ्वी पर सर्वत्र प्रकट करता है। वह अलग मूल्य वस्तुओं की भी आशीष के लिए अपनी कलीसिया के हाथ में दे देता है, जिससे जो कोई धन्य पद मरियम अथवा संतों के नाम दुहाई दे भक्तिपूर्वक उनका धार्मिक उपयोग करे, वे अवश्य वस्तु की और आकर्षित हो और ईश्वर को धन्य माने, जो सचमुच अकेला अद्भुत कार्य करता और अपने संतों में प्रशंसनीय बना करता है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू धन्य हो क्योंकि तू अपने द्वारा सृष्ट सब वस्तुओं को आशीष देकर से भर देता है। हम निवेदन करते हैं अपने सेवकों और सेविकाओं को यह वर दे कि जो कोई इस श्रेष्ठ पदार्थ का उपयोग करेंगे विश्वास यात्रा में निरंतर प्राप्त करें, जिससे सर्वत दिव्य वस्तुओं के बोझ से लगे रहे रहकर प्रेम से सदा प्रतीत करें। हम यह मानते हैं अपने प्रभु कृष्ण के द्वारा। आमीन। कृपा दृष्टि डाल और अपने ईश्वरीय अनुग्रह से आपको समय पर उचित उपचार प्रदान करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके आत्मा के साथ। वह आपको प्रसन्न जीवन प्रदान करें और सब उत्तम वस्तुओं से संपन्न कर दे। अपनी मृत सुलभ सहायता से प्रभु इस पृथ्वी पर आपका संचालन करें और अनंत सुख के लिए अर्जित पुण्य के फलस्वरूप आपके स्वर ले जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग Yeah.
सारे जो बातें कर रहा हूँ जहाँ हमारे बच्चों की जो जो अधिवेशन था उसमें भाग ले लिया था और वो पुष्प की खबर है कि बहुत सालों के बाद इस साल हमारा बच्चा जेवियर का लड़का है मॉडल का जो इस जान युवकों का प्रेसिडेंट है। बहुत खुशी बात है कि हमारे गणतंत्र की भी कोई पहली बार बहुत सालों के बाद शायद तो पहला होता था लेकिन बहुत सालों के बाद हमारा ही बच्चा इस पूरा जान की प्रतिनिधि है उसका प्रतिनिधि। तो बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो भी करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। युवक लोग कभी भी पहुँचे नहीं गाड़ी में मैं आप लोगों के वापस आए। तो मेरी ये भी इच्छा है कि हमारे आगे बढ़ाए सभी संचालक विशेष करके मेरा पहली बात है आध्यात्मिक संचालक आध्यात्मिक रूप से हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ ठीक परिवार में समाज में और लेकिन इतना ही बस नहीं बच्चों ने समाज का भी संचालन करना सीखना और जब ये अधिवेशन करते हैं 155 बच्चे हमारे होते हैं बाकी 2500 थे। तो बिशप जूलियस मदर ने जो बोल रहा था आपके 5,500 हमारे नोएडा के 5,500 थे आपके 5,500 हमारे दुर्गा के 2,500 है लेकिन काफ़ी दूर भी है। तो उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया और हमारे बच्चे ने तो हमारे यूट्यूब में हम आप लोग देखेंगे डॉक्टर ने यूट्यूब में लगाया है बच्चों ने बड़ा अच्छा डांस नाच किया और बड़े अच्छी तरह से था। तो युवकों को मैं बधाई देता हूँ और आगे बढ़ने की डालते हैं जितने आप लोग एक्टिव होते हैं उतनी ही पसंद करते हैं। तो आपका जो सहायता जो सहोता हमारे बच्चे को थोड़ा बीमार है इसलिए जो यहाँ आया तो काफ़ी बीमार है तो उसके लिए भी प्रार्थना करना लेकिन उसने फादर है मदर से अब साथ चल के कभी प्रार्थना है देखिए सभी धर्मों में अभी इच्छा आई लेकिन एक ऐसा है कि अपना नहीं पढ़ा गया और हम थोड़ा सा अभी सुस्त हो गए हम तो सबसे आगे थे पहले सबसे आगे थे हमसे वो लोग सीखे हैं और हम पीछे थे। फिर दोबारा एक साल आया जानता हूँ आप लोगों ने कि कौन सा बिशप नहीं था तो बिशप कम से कम एक कारण है बिशप नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे उत्साह करें। मुझे बोला है कि अगले इतवार को पल्ली के पद लेकिन मैं 3-4 पहले ही बरवर का निरीक्षण तो बच्चों का नाम नहीं बोल सकता अच्छा होता था मुझसे